Hi, my name is Edra and I'm from Nandi and I love Mirchi FM. Hi, my name is Sony from Canberra. I love listening Mirchi FM online. मैं हूँ उर्मिला देवी आसियासी तावा से. जितेन शांडिल को और अश्निल को तावा में लॉक कर दिया जाए. हम लोग यहाँ से कतों का में Mirchi FM सुनता है. Mirchi FM is hot. I'm Shelly in Tanga Nursery. Mirchi music simply bindas in Nursery. मैं अश्फाक वाली लुबुसे Mirchi FM मेरे नस नस में. Mirchi FM, it's hot. नमस्कार फिजी समाचार दर्शन के साथ रवेदिका प्रताप. प्राइम मिनिस्टर वोरेंगे बेनीमारामा से कल संसद में अपोजिशन के उस कोशिश पर बयान देने की आशा है जिसके तहत वे ग्रेट काउंसिल ऑफ चीफ्स को दोबारा स्थापित करना चाहते हैं. सोशल डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टी सोमवार को एक पेटिशन के साथ आई थी जिसके तहत वे GCC की वापसी की मांग कर रहे थे. बेनीमारामा ने बार बार ये दोहराया है कि GCC को वापस लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. उनका कहना है कि सदरपा द्वारा ऐसे समय में पेटिशन को लाना जब लोग साइक्लोन विंस्टन से हुई तबाही से उबर रहे हैं अविश्वसनीय है. GCC को 4 साल पहले रद्द कर दिया गया था और बेनीमारामा का कहना है कि वे ट्रेडिशनल ईटो के चीफली सिस्टम का एकमात्र कस्टोडियन नहीं है. सदरपा का पेटिशन 29 वोट्स टू 16 से डिफीट हो गया था. फिजी एयरवेज को दिए जा रहे मार्केटिंग ग्रांट एक हिस्सेदारी है जिससे सिंगापुर रूट पर कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके. सिविल एविएशन मिनिस्टर अय्यर सैयद खय्यूम से आज संसद में पूछा गया कि क्यों नेशनल एयरलाइन को $18 मिलियन का ग्रांट दिया गया है जबकि पिछले वर्ष उन्होंने $70 मिलियन का मुनाफा रिकॉर्ड किया. सैयद खय्यूम ने बताया कि किसी भी नए रूट पर मुनाफा कमाने में कुछ वर्ष लग जाते हैं. उन्होंने हांगकांग का उदाहरण देते हुए कहा कि लगातार 3 सालों तक घाटा के बाद मुनाफा कमाया गया. मिनिस्टर का कहना है कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी से सरकार इंडिया मिडल ईस्ट और अन्य साउथ ईस्ट एशियन मार्केट से लोगों को आकर्षित करना चाहती है. सैयद खय्यूम ने बताया कि इसके अलावा वे बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक की सभाओं को होस्ट करने का लक्ष्य रख रहे हैं. स्काई पैसिफिक की बिक्री में सरकार का कोई लेना देना नहीं था. टेलीकम्युनिकेशंस मिनिस्टर अय्यर सैयद खय्यूम ने ये स्पष्टीकरण आज संसद में दिए. अपोजिशन MP असेरी रनरोंडो ने ये पूछा था कि बिक्री के पीछे क्या शर्त थी क्योंकि स्काई पैसिफिक कस्टमर्स ये शिकायत कर रहे हैं कि वे Fiji 1 नहीं देख सकते हैं. सैयद खय्यूम ने बताया कि इन रिस्ट्रिक्शन से Fiji 1 को बचाया जा रहा है. मिनिस्टर ने बताया कि फीजियन लॉ के तहत डिजिसेल स्काई पैसिफिक पर किसी तरह के लोकल कंटेंट या एडवर्टीजमेंट्स को नहीं दिखा सकता और इस तरह से फीजी TV आमदनी कमा सकेगा. सैयद खय्यूम ने कहा कि सब्सक्रिप्शन TV पर फॉरेन ऑनरशिप केवल एंटरटेनमेंट के लिए है. और खेलकूद में कोको कोला गेम्स बॉयज डिफेंडिंग चैंपियंस नतम्बुआ हाई स्कूल एक बार फिर जीत की तलाश में है. स्कूल गर्ल्स और बॉयज डिवीजन में कुल मिलाकर 86 एथलीट्स को फील्ड करेगा. स्कूल मैनेजर एलियसा डोनीवी का कहना है कि उन्होंने सभी अनिवार्य तैयारियां कर ली है और पिछले साल के मिलान में एथलीट्स और भी अच्छे परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं. नतम्बुआ ने पिछले साल के कई टॉप एथलीट्स को रिटेन किया है. कोक गेम्स कल से ANZ स्टेडियम सुबह में शुरू होगा और आप इसे लाइव FBC TV पर देख सकेंगे. ये थे आज के मुख्य समाचार. याद रहे इन समाचारों के लिए आप रेडियो Fiji 2 और Mirchi FM को सुन सकते हैं. शुभ रात्रि. मैं सुरेंद्र प्रसाद नरेरे से रात्रि को रेडियो Fiji 2 में रात देखा. हमारा नाम याकूब खान है. हम करवांगा रिजर्वेशन में रहता है. रेडियो Fiji 2 हमारे अच्छा प्रोग्राम है. हमारे करवांगा के सभी लोग रेडियो Fiji 2 ज्यादा सुनते हैं. रेडियो Fiji 2 देश के धड़कन हमारे लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम. प्रणाम Fiji. मैं नवनीता लकेना में रहती हूँ. पूरी दुनिया भर की खबर मैं रेडियो Fiji 2 से सुनती हूँ. मैं देवेंद्र विजय वनीबाव के रहने वाला हूँ. रेडियो Fiji 2 देश की धड़कन मैं हर वक्त सुनता हूँ और मुझे बहुत आनंद मिलता है. रेडियो Fiji 2 देश की धड़कन.